थग्स। ये वर्ड सुनकर हमारे दिमाग में क्या आता है? डकैत, गुंडे, मर्डरर्स, लुटेरे, यही ना? लेकिन सच तो कुछ और ही है और काफी शॉकिंग है। इससे पहले कि मैं बताऊं कि थग्स ऑफ हिंदुस्तान कौन थे, आपको कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑस्ट्रेलिया के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स कैसे दिखते हैं, तो आपके दिमाग में कैसी इमेजेस आएंगी? ऐसी, ऐसी या ऐसी? नहीं, ऑस्ट्रेलिया के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स जिनको एबोरिजिनल्स बोला जाता है, कुछ ऐसे दिखते थे, जिनकी ओरिजिनल पॉपुलेशन यूरोपियन माइग्रेंट से काफी ज्यादा थी। और यूरोपियंस जब उस कॉन्टिनेंट पर पहुंचे तो उन्होंने एक पूरे कॉन्टिनेंट का मास मर्डर कर दिया। एंड टुडे दे फॉर्म जस्ट अबाउट 3% ऑफ द ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन, लैकिंग इवन द बेसिक ऑफ सिविल राइट्स। यही नहीं, 1492 में नेटिव अमेरिकन की पॉपुलेशन 60 मिलियन थी और पूरे यूरोप की पॉपुलेशन 40 मिलियन थी। और जब कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था, तो उन यूरोपियंस ने नेटिव अमेरिकन की हॉस्पिटैलिटी का भरपूर फायदा उठाया और यूरोपियंस उस हॉस्पिटैलिटी के बदले गिफ्ट के तौर पर नेटिव अमेरिकन को मलेरिया से इन्फेक्टेड ब्लैंकेट्स देते थे, ताकि नेटिव अमेरिकन इन्फेक्टेड होकर मर जाएं। और ये तरीका तो उन हजारों तरीकों में से सिर्फ एक था जिसे यूरोपियंस ने नेटिव अमेरिकन का मास मर्डर किया था। दुनिया को यूरोपियंस ने बोला, देखो ये तो अनसिविलाइज लोग हैं, इन्हें हमारी जरूरत है और हम इन्हें सिविलाइज करेंगे। अब आप सोचोगे, हाउ आर नेटिव अमेरिकन्स एंड एबोरिजिनल्स रिलेटेड टू द थग्स ऑफ हिंदुस्तान? तो दोस्तों, थग्स ऑफ हिंदुस्तान कोई चोर, डाकू, डकैत या गुंडे नहीं थे। थग्स वर अ काली वर्शिपिंग ट्राइब इन इंडिया हु लिव्ड इन द जंगल्स। और ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट्स को जब इंडियन लैंड्स ऑक्यूपाई करने थे, तो वो थग्स के जंगल्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। और अगर कोई किसी के घर को डिस्ट्रॉय करेगा तो रेजिस्टेंस तो आएगी। सो टू सॉल्व दिस इशू, द ब्रिटिशर्स ट्राई टू प्रोजेक्ट अ बैड इमेज ऑफ द थगीज थ्रू लिटरेचर, यानी कि बुक्स। और इस तरीके के लिटरेचर को एट्रोसिटी लिटरेचर बोलते हैं। इन्हीं बुक्स में से एक बुक का नाम कन्फेशंस ऑफ अ थग है, जिसे 1839 में लिखा गया था। और सैडली इसे आज तक हिस्टोरिकल रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है। और तो और 1871 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पास किया था, विच मेड इट लॉफुल टू परफॉर्म मास मर्डर अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ इंडियन ट्राइब्स हु वर लेबल्ड एज क्रिमिनल्स। एवरी मेंबर ऑफ द ट्राइब वाज लेबल्ड एज अ क्रिमिनल, इंक्लूडिंग न्यू बॉर्न बेबीज। ऐसे ही 100-200 ट्राइब्स का इसीलिए मास मर्डर किया गया क्योंकि वो अपने घर के डिस्ट्रक्शन के खिलाफ रेजिस्ट कर रहे थे और ब्रिटिशर्स के नजर में वो क्रिमिनल्स थे। इस जीनोसाइड को जस्टिफाई करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बहुत सारे स्कॉलर्स को फंड किया, ताकि वो बुक्स लिख सके जिनमें थगी कल्ट को बिल्कुल गंदे तरीके से बदनाम किया गया। ठीक उसी तरह जैसे नेटिव अमेरिकन्स और एबोरिजिनल्स को बदनाम किया गया। और आज वो शब्द थग एक गाली बन चुकी है और इंग्लिश डिक्शनरी में इसका मतलब है अ वायलेंट पर्सन और अ क्रिमिनल। ये सब इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि दोस्तों, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन की शुरू से आदत है कि कहीं जाओ उनके भोलेपन का फायदा उठाओ, उनका मास मर्डर करो और दुनिया को जस्टिफाई करने के लिए ये कहो कि भाई हमने तो अनसिविलाइज लोगों को सिविलाइज कर दिया। यहां तक कि हमारे प्यारे इंडियन इंटेलेक्चुअल्स ये दिल से मानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने आकर इंडिया को सिविलाइज ही किया। तो भाई, ब्रिटिशर्स के आने के पहले इंडिया वॉज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, कॉन्ट्रीब्यूटिंग अबाउट 27% ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी। एंड आफ्टर द ब्रिटिशर्स लेफ्ट, इंडिया वॉज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स, वॉज वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड विथ जस्ट अबाउट 3% ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी। इसको आप सिविलाइजेशन कहते हो? क्या ये सब बातें आज के टाइम में रेलेवेंट है? जी हाँ, इनफैक्ट ये बात आज के टाइम में और भी ज्यादा रेलेवेंट हो गई है, क्योंकि आज तक वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस इंडिया को डिस्ट्रॉय करने में लगे हैं। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड इज अ न्यू थ्रेट टू द एंटायर वेस्टर्न सिविलाइजेशन। चाइना से तो वो हार ही गए और अब इंडिया उनके लिए एक नई इकोनॉमिक थ्रेट है।
ये वेस्टर्न फोर्सेस हजारों मीडिया हाउसेस, ऑर्गेनाइजेशंस, न्यूज आउटलेट्स और फाउंडेशंस को फंड करते हैं, जिनका काम ही है कि वो इंडिया में नेगेटिविटी फैलाएं और लोगों की यूनिटी को तोड़ें। अगर इंडिया यूनाइट हो गए तो इंडिया को वापस सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। इन सारे वेस्टर्न फोर्सेस का पर्दाफाश राजीव मल्होत्रा ने अपनी बुक में किया है, जिसका नाम है ब्रेकिंग इंडिया, जिसमें उन्होंने काफी डिटेल में बताया है कि कैसे एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस इंडिया को तोड़ने में लगे और काफी ऐसी चीजों का पर्दाफाश किया है जो हम इंडियन से छुपाई गई है। दुख की बात यह है कि हम इंडियंस खुद को ही फॉरेन लेंस से देखते हैं, बिना ये जाने कि कैसे हजार साल से हमसे धोखा किया गया, हमारे लोगों का मर्डर किया गया, हमें डिवाइड किया गया, हमारे ओरिजिनल एजुकेशन सिस्टम को उखाड़ कर फेंक दिया गया, हमारे मॉन्यूमेंट्स को बर्बाद किया गया, हमारे नॉलेज को प्लेजराइज किया गया और हमारी हिस्ट्री को माइथोलॉजी बना दिया गया। इफ दिस वीडियो इन्फॉर्म्ड यू एंड मेड यू अवेयर इन एनी वे, शेयर इट विद पीपल अराउंड यू, बिकॉज इट्स हाई टाइम दैट द इंडियन यूथ रीडिस्कवर्स इटसेल्फ। एंड सब्सक्राइब टू FMF फॉर मोर सच कॉन्टेंट अहेड।